हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हमारा नया एडवेंचर शुरू होने जा रहा है, या मैं कहूँ कि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। सो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, दिल को थाम लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है हमारा एडवेंचर ऑफ द लैंड ऑफ हाई पासेस। एवरीबॉडी वेलकम टू लद्दाख। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। सो आज है बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि आज से अपनी मेन राइड शुरू होने वाली है। ले से अब हम पूरा लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे। नुब्रा वैली, पैंगोंग, तुतुक, हुंडर, डिस्केट और ना जाने सारे पासेस को कवर करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं द मलंग मैन। चलिए एक और नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। एंड जो लोग नए हैं, मैं अभी अपनी लेह लद्दाख राइड पर निकला हुआ हूँ, एंड 3-4 दिन ले में एक्लिमेटाइज करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तुरतुक। आज का स्टॉप रहेगा मे बी हुंडर, या सीधा हम तुरतुक चले जाएंगे। तुरतुक के बारे में अगर आपको नहीं पता, इट इज़ ऑन द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाली है। हाँ जी, सो ऑल सेट एंड डन, आवर ड्रेकारिस इज ऑल सेट एंड डन, पूरी तैयार हो चुकी है। एंड नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स खारदुंगला पास, आर फर्स्ट पास इन लद्दाख। सो ले से निकल के ये ऊपर वाला रास्ता लेके अब हम लोग चढ़ने जा रहे हैं खारदुंगला के लिए। सो यहाँ से पहले नुब्रा का चेक पोस्ट आएगा सामने, फिर उसके बाद नॉर्थ कुल्लू आएगा। नॉर्थ कुल्लू में आपका चेकिंग होगी सारी। ओ माय गॉड, और क्या खूबसूरत लग रहा है, वो फ्लाइट जा रही है इधर देखो। ओए हाय हाय हाय। हाँ जी, तो मैं जैसा कह रहा था, आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फ़ीस दी है या नहीं दी है उसका परमिट चेक होगा। अब ILP की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फ़ी लगती है, जो कि 400 रुपये के आसपास है। वो थोड़ा दिन के हिसाब से होती है कि कितने दिन का आपका स्टे है, कितने दिन आप वहाँ रुक रहे हो, उस हिसाब से है। और माइटी खारदुंगला, यहाँ से सब शुरू होगा। क्या हो गया? हाँ, चलो भाई परमिट चेक करा ले। ये पकड़ना मेरा है। हाँ, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, RC दिखा दी, गाड़ी मेरे नाम पे है, परमिट दिखा दिया है। यहाँ पे नौटंकी है, गाड़ी का किसी और के नाम पे होगी ना तो जाने नहीं देते हैं। इन बेचारों की तो बैंड बजा दी उन्होंने। चलो हाँ, बट ये चीज़ गलत है। यू आर ऑन द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, गुड। पहले वन ऑफ द हाईएस्ट था, बट खारदुंगला इज नॉट द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। खारदुंगला अब 11th नंबर पे आ गया है, और खारदुंगला ऊपर वहाँ पे आपको मिलेगा, और ऊपर गिर रही है बर्फ़, तो भाई अल्टीमेट मज़े आने वाले हैं। तो मौसम चेक करें आप, पीछे से धूप आ रही है, सामने बादल आ गए हैं, उस तरफ बर्फ़ गिर रही है, अलग ही मौसम चल रहा है। और चढ़ाई शुरू कर दी है हमने 17,000 फीट के लिए खारदुंगला पास के लिए। खारदुंगला पास पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। वो फॉल हो गई ऊपर, क्या बात है। और आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो यार मुझे भी बहुत मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में, आप लोगों को सब चीज़ें दिखाने में। वो देखो, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी है ऊपर, अभी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी है, क्या बात है। ठंड भी है, धूप भी है, बर्फ़ भी है, सब है भाई साहब। और हाइट पे आ गए भाई साहब, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर रही है, ऊपर से बर्फ़ बन के आ रही है, बट नीचे आते ही थोड़ा सा पिघल जा रही है। तो ठंड एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और रास्ता कुछ ऐसा सा ही है,
आपकी आंखों के सामने ही है ना। यहाँ पे देखो ये हैवी बर्फ गिर रही है यहाँ पे, ये पूरा जमाएगी भाई वाइज़र को ये पूरा वाइज़र को जमाएगी। ओहो भाई जमा दिया, दिखना ही बंद हो गया। मतलब यहाँ इतनी बर्फ़ है तो आगे खारदुंगला पे तो काफ़ी बर्फ़ होगी। बात है बॉस, ओए होए होए, एक नंबर। हाँ यहाँ तो रोक दिया है शायद भैया, हम बाइक से हम आगे चलते हैं। सबको यहीं रोक दिया है और आगे नहीं जाने दे रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओ सबको यहीं रोक दिया है भाई, मैं यहाँ लगाता हूँ यार। ऑल राइट एवरीवन, सो नॉर्थ कुल्लू पे हम लोग को रोक दिया गया है, सारे बाइकर्स नहीं रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं आगे हैवी स्नो है, बट अभी जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो मौसम तो साफ़ हो गया था काफ़ी, तो थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे और देखेंगे मौसम खुलता है कि नहीं खुलता है। ओए कहाँ जा रहा है? भैया दिल्ली से हैं, भैया को मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ, बढ़िया सिस्टम बिठा रखा है हमने यहाँ पे। ये देखो यार ऊपर के साइड कुछ, मतलब बंदा ये एक्सपेक्ट कर सकता है बट ये टोटल यार तुमने काम किया सही है, सही है। और मैंने इसके स्टॉक स्प्रिंग्स चेंज करा के डोमिनार के स्प्रिंग्स लगा लिए, तो पीछे ट्रैवल और बढ़ गया है। सस्पेंशन हाँ, वो पता है कैसे हुआ था? मेरा ये जोजिला से पहले ही मेरा स्टॉक टूट गया था सस्पेंशन, तो मैं जोजिला से ले टूटे हुए सस्पेंशन पे आना, दबी हुई गाड़ी लेके आया। तो आपने इसको क्या स्टेफन साइड पे रखा, स्टॉपर साइड? हाँ अभी ये मीडियम है, डोमिनार के स्प्रिंग्स पे मीडियम है। हाँ हाँ वो एक टूल होता है, नहीं वो नहीं, आप पेचकस और हथौड़े से भी कर सकते हो। हाँ हाँ वो एक बार मैं बाइक की। A few moments later. क्या बात है बॉस, ये तो माहौल बन गया पूरा। ये तो वक्त बदल गए पूरा, बर्फ ही बर्फ हो गई यार, अमेजिंग। ओहो थोड़ा अपनी बाइक की तरफ चलते हैं यार, देखते हैं बाइक के क्या हाल है। यहाँ तो तगड़ी बर्फ गिर रही है, अरे बाप रे बाप, पूरा सफेदी की चमकान हो गई पूरी। क्या बात है, यही तो चाहिए था। एक बात करते हैं, हाय 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 हाय, क्या बात है। ये रही अपनी बाइक, अपनी राम प्यारी यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो बारदुगला पे बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है, एज यू कैन सी पूरा माहौल सेट हो गया भाई साहब। आए हाय, दो मिनट में पूरा मौसम बदल गया, पूरा ये बर्फ़ से ढक गया है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लोग जाने देंगे, एक परसेंट चांस ही लग रहा कि हम लोग ये जाने देंगे। बट नेवर्थलेस इस चीज़ का, इस बात की फीलिंग ही अलग है यार। क्या बात, क्या बोलते हो भाई? बस अपनी कार ही थोड़ी सी ख़राब हो गई, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसकी भी अलग ही फीलिंग है यार, थोड़ा सा पैसा वसूल हो गया यार, इसका तो अलग ही मज़ा है। लोग ठंडा हो गए थोड़ा सा, बाकी सब लोग वहाँ बर्फ से ढक रहे हैं, हम लोग यहाँ मजे कर रहे हैं, यही तो करने आए हैं। क्यों? मजे करने ही तो आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार। चलो ये लोग सब दिल्ली से हैं, तो भाई बाइकर बाइकर जान पहचान हो जाती है।
ये सब पार्ट है यार आई थिंक, है ना? इसी के तो पैसे देके आए हैं हम इतनी दूर से। खाली कारदुमला पहुंच जाते तो याद भी ना रहता यार, कमर तोड़वा के स्प्रिंग तोड़वा के यही तो करने आया हूं मैं। ऑलराइट एवरीवन, सो वक्त आ चुका है यहाँ नॉर्थ कुल्लू से जाने का, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे खतरनाक सीन बन चुके हैं। बहुत तेज़ी से बर्फ़ गिर रही है तो ऊपर बाइक को तो अलाउ नहीं करेंगे, तो अभी चलते हैं सीधा नीचे ले और फिर आगे का प्रोग्राम समझेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर ही लेंगे। सो आई होप आपको ये बर्फ़ वाले नज़ारे पसंद आए, जिसने भी स्नोफॉल नहीं देखी उनको देख के अच्छा लगा, मेरा तो थर्ड टाइम है स्नोफॉल देखने का। ऑलराइट लेट्स गो। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अब, क्योंकि और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, 12:30 तो यहीं हो गया है। ले में जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद समझेंगे। जाम तो पूरा लग गया है। भाई साहब ऊपर का मौसम जो है वो नीचे आ गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो हम सभी यहाँ पर फोटो खिंचाने और ड्रोन शॉट लेने रुके थे, नीचे का मौसम जो है पास आ चुका है, अब तूफान आ रहा है, तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और भाई जो कहो यहाँ पे अभी तक कुछ टाइम पहले तो एकदम पूरा साफ था, बट अब पूरा डिसाइड करेंगे वैसे ही करेंगे, बाकी नज़ारे तो यार एक नंबर है, ये देखिए एक नंबर नज़ारे, मज़ा आ गया, फुल पैसा वसूल यार, फुल पैसा वसूल। और नीचे से खूबसूरत सी ले सिटी पूरी दिख रही है। होटल पे यहाँ खड़ी करेंगे बाइक और जाएंगे कुछ खाने, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, तो बने रहना व्लॉग के साथ। हाँ जी, तो अब जा रहे हैं हम लोग लंच वगैरह करने सभी लोग के साथ, अब आगे से हम लोग सब साथ ही में कंटिन्यू करेंगे। मैं जब घर से अकेला निकला था दोस्तों ने गोला दे दिया था, तो मैंने सोचा था कोई ना कोई यहाँ वहाँ तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो भाई लोग मिल गए, अब इन्हीं लोग के साथ उमलिंगला पैन बॉक्स सब हम वही करेंगे। तो अभी लंच करने जा रहे हैं, वहाँ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वैसे मोस्टली मुझे तो लग ही रहा है आज हम लोग यहीं रुक जाएंगे ले में, और शायद ले को थोड़ा सा देखें इधर उधर, और कल फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग खारदुंगला जो निकलेंगे, अगर ओपन होता है तो ठीक है सीधा तुरतुक चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग सीधा वहाँ से पैंगोंग लेक चले जाएंगे। तो अभी टहलते टहलते जा रहे हैं लंच करने, भूख बहुत लग रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और मौसम तो यार ऐसा सही हो रहा है, हम लोग के लिए तो बढ़िया हो रहा है भाई, जो ट्रैवलर वैवलर से आए थे वो बेचारे रो रहे थे क्यों मौसम ख़राब हो गया ये हो गया। आ गए हैं हम लोग ले मार्केट में और यहाँ पे लंच करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, शायद मुझे ग्लव्स लेने हैं तो वो ग्लव्स लूँगा, क्योंकि यार हाथ ठंडे हो जाते हैं। ब्लॉगर इन द हाउस, ये देखो। तो अब हो चुकी है रात एंड वी आर राइट नाउ एट अ कैफे, एंड आज लग रहा है कुछ हल्का फुल्का सब लोग खाएंगे, क्योंकि सबने अभी कॉफ़ी ली, उसको सूप वूप पीने का प्लान है। वेल, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, थोड़ा सा पैसा मैं पर्सनली फील करूँगा कि मुझे लगा कि यार स्नोफॉल करना वो पूरा एक्सपीरियंस जो था ना उसी का सबसे ज़्यादा मेन पैसा था। ठीक है, कारदुंगला नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बहुत यहाँ पे सब लोग चिल कर रहे हैं, एंड हम लोग भी कुछ और मंगाते हैं उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो सीन ऐसा है, वहाँ से कैफे में हमने खाना खाया, बट बहुत ही बकवास पिज़्ज़ा था,
कॉफ़ी अच्छी थी उनकी, पर अब हम लोग निकले हैं इंडिया का फ्लैग ढूंढने, बट पॉसिबल लग नहीं रहा क्योंकि मार्केट सारी बंद होती जा रही हैं। और ग्लव्स भी लेने थे पर हम लोग इतने आलसी हैं कि वहाँ से ग्लव्स लिए नहीं जहाँ से लेने चाहिए थे, बट नेवरदलेस कोई बात नहीं, देखते हैं। इंडिया का फ्लैग इंपॉर्टेंट है लेना यार, हर राइड पर मैं कैरी करता हूँ, आप लोग को पता ही है, पर जल्दबाजी में इस बार मैं भूल गया। तो अभी ले मार्केट में घूम रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम लग रही है, देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। तो लो जी भाई, सीन सेट हो गया, ग्लव्स अपने मिल गए 200 रुपये में, इनमें थोड़ा बहुत काम चल ही जाएगा, थोड़ी बहुत ठंड तो रुकी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यार इंडिया का फ्लैग नहीं मिल पाया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, अगर रास्ते में कुछ खाने को बढ़िया मिल जाता है देखेंगे, नहीं तो सह लेंगे थोड़ा, क्यों भाई पूछेंगे यार, कोई आर्मी वार्मी ऑफिसर दे दिया हमें फ्लैग करके। हाँ यार ये बात जारी रहेगी, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया उनसे, कोई अगर मिलेगा क्योंकि राइड पे यार इम्पोर्टेंट है ये तो ले जाना। तो चलते चलते पहुँच गए जनता फ्रूट आइसक्रीम के पास, यहाँ तोड़ेंगे हम लोग बढ़िया सी आइसक्रीम, और कॉपीराइट आने वाला है तो मैं तेज तेज बात करूंगा ताकि कॉपीराइट बिल्कुल ना आए। हाँ आप बोलो, आप बोलो बोलो, यूवी लाइट का क्या? ओपन में लगी हुई थी भैया, तो भाई वो आंखों में प्रॉब्लम, आंखें सैनिटाइज हो जाएंगी उससे। ब्लॉग एंड करो, कुछ नहीं बोलना यार, देखो अच्छा इधर तो देखो, आप कुछ बोलो, कुछ कुछ यहाँ अलग ही सीन चल रहे हैं भाई, सही है भाई। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स कॉल इट अ डे, फाइनली आई लव लेके बोर्ड पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो देन यू नो व्हाट टू डू, क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टुडे, मिलते हैं एक और नए वीडियो का आगाज़ करते हुए, मैं हूँ आपका दमलक मैन, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।